हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शक्ति भक्ति और वीर विरंगनाओं की भूमि है मेवाड़। सांसद दिया कुमारी चित्तौड़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह को किया संबोधित। सांसद मत से राज्य संबंध में पीएचसी और सीएचसी के लिए 23 लाख के 116 और 2 सिलेंडर किए वितरित। नागद्वारा में पन्ना प्रमुखों की ली बैठक। राज्य संबंध जौहर श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि शक्ति भक्ति और वीर विरंगनाओं की भूमि मेवाड़ को नमन है। वीरों की यह कर्मस्थली बलिदानों की साक्षी है। मेवाड़ की इस पावन भूमि पर रानी पद्मिनी सहित कई विरंगनाओं ने अपनी आन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। चित्तौड़गढ़ में कार्यक्रम के दौरान भावुक हुई सांसद दिया कुमारी ने कहा कि हमारे देश की नारी शक्ति ने हमेशा ही त्याग बलिदान और ममता के ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारी महिलाओं ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुश्मन सेना पर आक्रमण कर रणभूमि में अपनी वीरता का परिचय दिया। वहीं जौहर की ज्वाला में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा की। यहां की मिट्टी का कण कण देश प्रेम की भावना पैदा करता है। वीरों की वीर गाथा को समर्पित यह आयोजन असीम ऊर्जा का संचार कर राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित करता है। देश प्रेम की हुंकार भरते हुए सांसद दिया ने कहा कि हमारे देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी त्याग बलिदान और शौर्य गाथाओं पर गर्व करती रहेगी। नारी शिक्षा को बताया जरूरी। कार्यक्रम के दौरान सांसद दिया ने नारी शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बदलते परिवेश में हमारी बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। जौहर स्मृति संस्थान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं वह प्रशंसनीय है। दूर दूर से इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का आना सुखद है। महिलाओं पर पारिवारिक जिम्मेदारी होते हुए भी समय निकालकर कार्यक्रम पे आना इस बात का संकेत है कि समाज का भविष्य सुखद है। महिला अत्याचार पर मुखर होते हुए कहा कि किसी भी महिला पर हुए अत्याचार को अब नहीं सहन किया जाएगा। कार्यक्रम से पूर्व सांसद दिया ने कल्लाजी राठौड़ मंदिर, वीर रावत पत्ता जी एवं काली मंदिर में पूजा अर्चना की। जौहर चित्र पर पुष्पांजलि कर वीरांगनाओं को नमन किया। राज्य संबंध में पीएचसी और सीएचसी के लिए 116 ऑक्सीजन सिलेंडर किए वितरित। सांसद दिया कुमारी की अध्यक्षता में रविवार को सीएमएचओ कार्यालय पर सांसद मत से 23 लाख 20 हजार रुपए की लागत से 116 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। राज्य संबंध जिले के प्रत्येक पीएचसी और सीएचसी पर दो दो ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण किए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कोरोना काल से उपजे संकट और भविष्य की समस्याओं से निपटने के लिए स्थायी समाधान करने का प्रयास है और अब भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें योग और आयुर्वेद की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, यह हमारी प्राचीन परंपरा है। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधि और चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित थे। पन्ना प्रमुखों की बैठक को किया संबोधित। भाजपा की चुनावी रणनीति में पन्ना प्रमुखों की अहम भूमिका है। यूपी सहित अन्य राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत के पीछे पन्ना प्रमुखों की मेहनत है। मतदाताओं से साधना और उसे पोलिंग बूथ तक लाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य पन्ना प्रमुख द्वारा किया जाता है। पार्टी की जीत का आधार पन्ना प्रमुख होता है। बूथ नंबर 87 लालबाग नाथद्वारा में आयोजित पन्ना प्रमुखों की बैठक में सांसद दिया कुमारी ने कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में हमारी पार्टी की सरकार है जो कि राष्ट्रीय सोच के साथ मिलकर कार्य कर रही है। 2023 में राजस्थान में होने वाले चुनावों में भी आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी जिसे आपको पूरे उत्साह के साथ निभाना है। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए सांसद दिया ने कहा कि आगे भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता इसी समर्पण भाव से कार्य करते रहेंगे। जागरूक टीवी के लिए राज्य संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारूत की रिपोर्ट।